परिवहन विभाग की ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दो वाहन किए जब्त, 14 वाहनों का चालान कर लगाया 2,20,000 रुपये का जुर्माना। जिला परिवहन कार्यालय की ओर से DTO सुमन डेलू के निर्देशन में ओवरलोड व बिना कागजात के चल रहे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अचानक हुई कार्रवाई से अवैध रूप से चल रहे व ओवरलोड वाहनों के चालक स्तब्ध रह गए और भागने में कामयाब नहीं हो सके। परिवहन विभाग की टीम ने मनसा चौक व उसके आसपास खड़े 7 डंपरों व अलवर बाईपास पर 7 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला परिवहन अधिकारी सुमन डेलू ने बताया कि बुधवार की शाम को सूचना मिली थी कि मनसा चौक के आसपास बड़ी संख्या में खनिज पदार्थों से भरे वाहन खड़े हैं। सूचना मिलने के बाद उन्होंने परिवहन विभाग की टीम को मौके पर भेजा तो वहाँ पर परिवहन निरीक्षक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने अपनी टीम के साथ बिना कागजात खुले हुए ओवर लोड 7 डंपर का चालान कर 1,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि 2 वाहन जब्त किया गया है। वहीं परिवहन उपनिरीक्षक दीपक शर्मा ने अलवर बाईपास सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई कर नो पार्किंग में खड़े बिना कागजात व ओवरलोड चलने वाले 7 वाहनों का चालान कर तकरीबन 90,000 का जुर्माना लगाया गया है। DTO सुमन डेलू ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से ओवरलोड व अवैध रूप से चल रहे वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 634 वाहन सीजकर तकरीबन 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि खनिज विभाग व परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर लिंक है जिससे ओवरलोड वाहनों की सूचना मिल जाती है और उसके बाद ओवरलोड वाहनों का ही चालान किया जाता है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। यहाँ बता दें कि राजस्थान के कोटपुतली इलाके से खनिज पदार्थ भरकर डंपर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद व NCR क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन हरियाणा में इन दिनों सख्ती बरती जा रही है। इस कारण चालक खनिज पदार्थ से भरे डंपर 2 दिन से भिवाड़ी में मनसा चौक से अन्य स्थानों पर खड़े किए थे। इनमें से ज़्यादातर वाहन मॉडिफाई करवाकर खनिज पदार्थ भरकर चल रहे थे। खास बात यह है कि मॉडिफाई किए गए ये डंपर NH 48 पर बेखौफ चल रहे थे, लेकिन वह हाँ हरियाणा व राजस्थान के अधिकारी आंख बंद किए हुए थे। लेकिन जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी की टीम के सामने इनकी पोल खुल गई और परिवहन विभाग ने इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई कर दिया। और टीम ने जब जाकर चेक किया तो कुछ वाहन थे वो ओवरलोड मिले, कुछ अंडरलोड थे, कुछ ऐसे वाहन थे जिनमें जो सामान डला हुआ था वो ढका हुआ नहीं था। तो उन सब के हमने चालान बनाए और हमें जो प्रशमन राशि के रूप में 1,30,000 रुपये प्राप्त हुए। इसके अलावा 2 गाड़ियां ऐसी थी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है, तो उन गाड़ियों को हमने सीज कर दिया था। और कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो जिनमें जो है खनिज भरे हुए थे, तो उन सब के लिए हमारा जो परिवहन विभाग है उसका सॉफ्टवेयर है, उससे माइनिंग विभाग के सॉफ्टवेयर को लिंक किया हुआ है। जब भी कोई गाड़ी ओवरलोड निकलती है तो उसकी सूचना है वो हमें थ्रू ईमेल और वाया मैसेज के माध्यम से मिल जाती है। इस प्रकार की जो गाड़ियां हैं वो 634 गाड़ियां हैं जिन पर हमने अभियोग बनाए हैं और लगभग 4 करोड़ रुपए की प्रशमन राशि उन पर आरोपित की है। कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की राशि को भरवा दिया गया है और जिन लोगों ने अभी भी नहीं भरवाया उनके लिए एमनेस्टी स्कीम राजस्थान सरकार ने बजट में घोषित की है, तो वो अपने इस प्रकार के ईरवन्ना के चालानों का भुगतान अगर करते हैं तो उनको एक विशेष प्रकार की 75 से लेकर 95% तक की छूट दी जा रही है मार्च माह में। और हमने प्रवर्तन के दौरान जो उड़नदस्तों को सभी ऐसी गाड़ियों की लिस्ट उपलब्ध करवा दी है और उनको हम सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग ईरवन्ना के बने हुए जो चालान है उनको नहीं भरवा रहे हैं।